नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा BPSC के बारे में, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करूँगा, क्योंकि कुल मिलाकर 44 वैकेंसीज है और वो भी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। तो असिस्टेंट जॉब के लिए है, कुल मिलाकर 44 जो वैकेंसी दिया गया है तो उसमें टोटली असिस्टेंट पोस्ट है। तो किस तरीके से इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कौन सा लीग में जाकर अप्लाई करेंगे, इसका नोटिफिकेशन क्या रहेगा, सारा इन्फॉर्मेशन मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब की इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के बारे में। तो सबसे पहली बात, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जो टोटली रिकमेंड आया है वो आपको बिहार में जॉब मिलेगा। 44 वैकेंसीज जो है उनमें से टोटल पोस्ट है असिस्टेंट के लिए और फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करूं, आप देख सकते हैं जनरल के लिए कितना, 21 से 37 ईयर्स तक, OBC के लिए कितना, 21 से 40 ईयर्स तक, SC ST के लिए कितना, 21 से 45 ईयर्स तक। इसका मतलब एज लिमिट एक अच्छा खासा यहाँ पे दिया गया है। और आपको जो सिलेक्शन होने का जो प्रोसीड्योर है, मतलब आप किस तरीके से सिलेक्शन हो पाएंगे, देखिए उसके लिए आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपको मेन और रिटेन एग्जाम देना होगा। तो दो एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सैलरी पैकेज के बारे में बात करें तो 44,900 से 1,42,400 तक आपको सैलरी पैकेज मिलने वाले हैं। एप्लीकेशन का फीस कितना है, 600 रुपीज़ एप्लीकेशन का फीस है, कोई भी जनरल OBC और कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो। SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 150 रुपीज़ आपको पे करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव ग्रेजुएशन इन एनी, यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन लेवल आप कंप्लीट कर चुके हैं, कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मतलब गवर्नमेंट से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मान के चलिए BA, BSc और साथ ही साथ आप BCom, तो इस तरीके से कुछ स्टेट से पास आउट हो चुके हैं, साथ ही साथ BCA ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो इसका लास्ट डेट कौन सा रहेगा, आप देखेंगे, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 7/10 लिखा गया है, एक्चुअली होगा 7 नवंबर, सॉरी सितंबर 2022 से इसका स्टार्टिंग पीरियड और एंडिंग पीरियड होगा 30 अक्टूबर और 2022। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई बटन में क्लिक करना, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे अप्लाई बटन में क्लिक करना और नोटिफिकेशन में क्लिक करना, तभी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे उसका डिटेल्स दिखाने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, दो लिंक यहाँ पे दिया गया है, एक टेलीग्राम का एक चैनल का, तो दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो नोटिफिकेशन सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो नोटिफिकेशन में जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन आप बड़ा करेंगे तो आपको देखिए हर पोस्ट के लिए कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिया गया है, इसका सिलेबस, इसका नोटिफिकेशन, सारे सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अप्लाई बटन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा। बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो जब क्लिक करेंगे तो आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आपका पोस्ट कौन सा है, BPSC असिस्टेंट, इसके लिए आपको यहाँ पर राइट साइड में अप्लाई बटन दिख रहा है, तो इस बटन में जाकर आप अप्लाई में क्लिक करिए। जब अप्लाई में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म को आपको भर देना होगा और नीचे आपको सबमिशन का बटन दिखेगा और सबमिट कर देना होगा। उससे पहले आपको ईमेल में, उसका फोन नंबर में आपका OTP जाएगा, उस OTP को आपको सबमिट करना होगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।